हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास आ चुका है, देखिए ये वीवो का V20 Pro 5G फोन। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, फुल अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पहले इसके अंदर हमें मिल जाता है एक सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट कवर और के साथ ये सिम टूल मिल जाता है आपको, और कुछ ज्ञान की बातें हैं इसमें, और उसी के साथ आपको मिल जाता है ये टाइप सी केबल। और इसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ईयरफोन 3.5 mm के जैक के साथ, और उसके साथ आपको ये एक नया चीज मिलता है इसके अंदर, यह है आपका टाइप सी 2 3.5 mm जैक कनेक्टर, और यह है आपका 32-33 watt का फ्लैश चार्ज 2.0। तो चलिए इस रैपर को खोल कर देखते हैं। ये आ चुका है हमारा वीवो V20 Pro। वैसे V20 और V20 Pro में कुछ खास फर्क नहीं है, एक ही है सिर्फ। यहाँ पे देख लीजिए उसका भी, वो भी इसी तरह बहुत ही स्लिम और लाइट वेट था। ये भी देखिए बहुत ही स्लिम है, और यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का एक सेटअप मिल जाता है, और यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग है, और उसके साथ इसमें नया एक ही मिलता है कि यहाँ पे वीवो 5G लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसे हम सेटअप करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सेटअप हो चुका है, ये ओपन कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एक नॉच डिस्प्ले, जो मुझे बहुत ही बुरा लगा इसमें। ये नॉच बनाने का एक वजह था, इसमें जो 44 मेगापिक्सल का ऑटो ए फोकस जो कैमरा है, उसे अगर पंच होल में डाला जाता तो बहुत जगह ले लेता, इसलिए वीवो ने इसे नॉच बनाया है। और इसके अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये एमोलेड डिस्प्ले है आपका, ये HDR10 के साथ है, और इसमें जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात है तो वो 60Hz है, जो भी कि मुझे बहुत ही कम लगा, 90Hz डिस्प्ले एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसकी अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें 765G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपके 5G है, पर इसमें मैंने गेम खेलकर भी देखा है इसमें, तो वो इसमें मुझे कुछ लैग जैसा कुछ भी नहीं देखा, और ये फ़ोन बहुत ही फास्ट चलता है। और अगर प्रोसेसर की तरफ से बात करें तो प्रोसेसर इसमें बहुत ही बढ़िया है, ये फ़ोन भी बहुत ही फास्ट चलता है। और इसका अगर बैटरी की बात करें तो इसमें 4000 mAh की बैटरी दिया हुआ है, जो कि मुझे बिल्कुल ही कम लगा। आप अगर एक दिन अगर थोड़ा बहुत घाटे तो आपका एक दिन चल जाएगा, और अगर थोड़ा आप ज़्यादा गेम फेम खेलते हो तो आपका एक दिन नहीं जाएगा, ये दोबारा चार्ज लगाना पड़ेगा। पर इसमें अगर आपको चार्जिंग की बात करें तो इसमें 33 watt का फास्ट फ्लैश चार्ज 2.0 मिलता है, जिसकी वजह से ये फ़ोन बहुत ही फास्ट चार्ज होगा, आपका 65% 30 मिनट में चार्ज हो जाएगा। और इसमें अगर आपको हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही स्लिम लाइट वेट के साथ एक ग्लास बॉडी के साथ आपको मिल जाता है ये फ़ोन, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन मिल जाता है, और सामने तो आपको दिखा ही चुका हूँ। और यहाँ पे आपको अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया है, और इसमें आपका जो मेन कैमरा है, जो प्राइमरी कैमरा है, वो है 64 मेगापिक्सल का, और ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो है 8 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा है, और नीचे एक फ्लैश दिया हुआ है। और इसमें आपको 3 माइक मिल जाएंगे, जैसे कि ये आप देख ही सकते हैं, एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के साथ, और यहाँ पे ये वीडियो अगर शूट करें तो यहाँ पे एक छोटा सा माइक है, आप देख सकते हो, मैं कैमरा में दिखा नहीं पा रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे नीचे में एक माइक है। और अगर इसमें आपको हम स्पीकर की बात करें तो आपको उसका हम साउंड सुनाने की कोशिश करते हैं, देखिए मेरा माइक कितना कैप्चर कर सकता है। इसमें एक सिंगल स्पीकर दिया हुआ है, मैं एक गाना लगाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आपको अगर वीडियो की क्वालिटी की बात करें तो ये आप देख ही सकते हैं, ये देखिए पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये एमोलेड स्क्रीन है, इसमें तो आपको वीडियो देखकर मज़ा आएगा ही, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें।
और इसमें फन टच ओएस 11 का सपोर्ट है और आपको एंड्रॉयड 10 के साथ मिल जाता है ये, पर इसमें बहुत ही जल्दी एंड्रॉयड 11 आने वाला है ओटी के अपडेट के साथ। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 44 मेगापिक्सल और उसके साथ आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, जिसमें कि आपको अगर इसका मैं पिक्चर के कुछ सैंपल्स दिखला दूंगा आपको कि इसका कैसा काम करता है। और इसमें फ्रंट कैमरा में आपको 4K वीडियो 60 FPS के साथ आपको सपोर्ट मिलेगा और उसके साथ आपको इसमें वीडियो में पोर्ट्रेट मोड मिल जाएंगे। और आपको जो इसके कैमरा की बात करें तो कैमरा के मैं कुछ सैंपल्स दिखला देता हूँ। कुछ खास चीज़ें दिया हुआ है जिसमें कि मैं आपको दिखला देता हूं, जैसे कि ये स्टेबल मोड, इससे आप देखिए आपका पूरा स्टेबल रहेगा, स्टेबलाइजेशन थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा, ये देखिए। और उसके साथ एक बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ है जो ये देखिए, इस तरह से आप मतलब अपने पीछे की भी वीडियो को शूट कर सकते हैं और आगे के भी, और आप यहां से इसे डुअल वीडियो के साथ मतलब आधे आधे भी कर सकते हैं, आधे पीछे की आधे नीचे की आप सामने की भी कर सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए आप, ये इसी फ़ोन का रेयर कैमरा का वीडियो है, आप देख सकते हो इसका क्वालिटी भी, ये भी 4K 60 FPS में हम शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, ये 4K 60 FPS में मैं शूट कर रहा हूँ, इसका आप ऑडियो क्वालिटी भी देख सकते हो ये कैसा है। सच कहूँ तो मुझे तो इस फ़ोन का कैमरा बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतर लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। और इसमें आपको 8GB का रैम मिल जाता है, उसी के साथ 128GB का स्टोरेज मिल जाता है। और इसमें सबसे एक गंदी बात मुझे और एक लगी कि इसमें 3.5mm का जैक नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको इसीलिए टाइप सी टू 3.5mm का कनेक्टर मिल गया है, पर फिर भी मैं अगर इसमें आपको 3.5mm का एक जैक होता तो बहुत ही बेहतर होता। वैसे मुझे इस फ़ोन का सभी कुछ सही लगा, कैमरा बहुत ही सही है इसमें का, डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ा वीक लगा पर वो भी ठीक ठाक ही है। और इसका जो लुक है, पीछे का लुक बहुत ही स्लिम और लाइट वेट, और इसका लुक मुझे एक प्रीमियम फ़ोन का जैसा लगा, तो इसका लुक के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। पर फ्रंट में जो डिस्प्ले है आपका, वो डिस्प्ले का जो लुक दिया हुआ है यहाँ पे नॉच डिस्प्ले, ये मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। और इसका जो स्पीकर का जो क्वालिटी साउंड सिंगल स्पीकर के साथ है वो मुझे पसंद नहीं आया। पर बाकी अगर आपको बात करें परफॉर्मेंस के लिए, और बैटरी भी थोड़ा कुछ मुझे पसंद नहीं आया, पर चार्जिंग के लिए अगर बोले तो चार्जिंग बहुत ही मतलब फास्ट होने वाला है, चार्जिंग के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आपको बैटरी, ये सामने जो नॉच है और आपका जो है ये स्पीकर, उसके अलावा बाकी सारे आपको परफॉर्मेंस, चार्जिंग, उसके बाद आपको ये लुक और कैमरा, सबसे ज़्यादा तो कैमरा में जो फीचर्स है वीवो का, वैसे भी कैमरा में मोड्स बहुत आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, बहुत सारे मोड आपको मिल जाएंगे, फ्रंट कैमरा में भी स्लो मोशन मिल जाएंगे, तो ये सब मुझे बिल्कुल ही ठीक ठाक लगा। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत भी बेहतर है। तो आप अगर ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो 30,000 के रेंज में ये आपको अगर इसके कैमरा के साथ किसी और फ़ोन को कंपेयर करें तो उससे तो ये बेहतर ही होगा अगर कैमरा की तरफ से देखें। तो आप अगर 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर अगर ये फ़ोन लेना चाहते हो तो मेरे अंदाज से आप बिल्कुल ही ले सकते हो, ये कम्प्लीट फ़ोन है, सिर्फ 2-4 इसमें कमियाँ हैं, वरना ये फ़ोन तो बहुत ही बेहतर फ़ोन है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो बिल्कुल ख़रीद सकते हो। तो बहुत ही जल्द हम अपना स्टॉक का वीडियो भी आप तक लाना चाहते हैं, पर क्योंकि अभी जो हमारा जो लो प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो हमारा अभी डिमांड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो वो अभी हम मतलब कम हमारे पास क्वान्टिटी में रह रहा है, इसलिए हम अपना स्टॉक का वीडियो आपको नहीं दिखा रहे हैं। और न्यू शॉप बनने के बाद तो आपके पास कोई भी नया वीडियो नहीं गया है, लगता है मुझे ये आपके लिए 2 नंबर वीडियो होगा हमारा न्यू शॉप का। तो बहुत ही जल्द हम अपना स्टॉक का वीडियो भी आपके पास लाने वाले हैं। और अगर प्राइस की बात करते हो आप,
तो लॉकडाउन से बहुत ही ज्यादा प्राइस अभी कम चुका है। आप में से किसी को भी कोई भी तरह का अगर फोन खरीदना हो तो प्लीज आप जरूर आ सकते हो हमारे दुकान में। अगर कोई फोन सेल भी करना हो या एक्सचेंज भी करना हो तो आप हमारे दुकान पे हमारे शॉप पे आ सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिसेंट वैल्यू भी मिलेगा, आपका प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा दाम प्राइस भी हम देंगे, और हमारे पास से आप जो भी फोन लोगे वो फोन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। और हम अभी नया एक स्कीम शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको 1 महीने से लेकर 2 महीना तक का गारंटी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो तो आप पूरा देख ही चुके हो, इसका फीचर्स क्या क्या है नहीं है मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आप अगर ये फोन खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो, 30,000 में अगर नया खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीद सकते हो। और अगर इसका मार्केट वैल्यू का बात अगर करें हम, इसका रिसेंट वैल्यू क्या मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, तो अभी तक हम आपको बता देते हैं। अभी ये फिलहाल 1 सप्ताह तक इसको आप कम से कम आपको हम 24,500 से आपको 25 तक ये फोन बिक जाएगा। इसका रिसेंट वैल्यू हमारे पास फिलहाल तो हम इसका 24,500 से 25 तक है। और अगर आप हमारे पास सेकेंड हैंड में खरीदना चाहते हो इस फिलहाल इस हफ्ते के अंदर, तो आप इसे करीब करीब 25,500 से 26 तक हमारे पास आपको ये फोन मिल जाएगा अवेलेबल, वो भी अनयूज्ड मिलेगा। इसका कोई भी मतलब हेडफोन से लेकर जैक तक कुछ यूज करा हुआ नहीं होगा। अगर आप इसका मार्केट वैल्यू तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपको इस फोन का लिए अगर खरीदना है 30,000 में आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूम पता चल सके कि यहाँ पे एक सेकेंड हैंड मोबाइल का शॉप है जहाँ पे आपको नया से लेकर सेकेंड हैंड मोबाइल अनयूज्ड से लेकर यूज्ड तक हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल आइकन पर सेट करके रखें, और ताकि हमारा कोई भी न्यू अपडेट वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही, फिर आपको आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।